हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लोग की अपनी थर्ड वीडियो को आज हम देखेंगे तो आज की वीडियो में हम लोग आ, सबसे पहले न्यूटन्स लॉज को और आगे डिस्कस करेंगे तो पहले हमें पता है कि पिछली वीडियो में हमने देखा था पिछली वीडियोज में कि फर्स्ट लॉ क्या होता है न्यूटन का कि इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट्स विलोसिटी विल बी कॉन्स्टेंट अगर कोई भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा तो उसकी विलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है मतलब अगर वो रेस्ट के ऊपर है तो रेस्ट पर रहेगा अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा जिस भी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तो दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ उसकी विलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी जो है वैसी की वैसी सेकंड लॉ जैसा कि हमें है इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो और इसकी जो रियल फॉर्म हम लोग नॉर्मली uh, यूज करते हैं वो होती है फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन थर्ड लो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसके अलावा हमने लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट को भी स्टडी किया था लीनियर का लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट जैसे कि हमें पता है मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है इट इज एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडी जिसकी वैल्यू होती है मास इंटू द विलोस ऑफ बॉडी के इक्वल पी इज इक्वल टू एम वी इसके अलावा हमने इम्पल्स को समझा था कि इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम तो हम बोलते हैं कि उसके ऊपर एक इंपल्स लग रहा है तो इंपल्स एक्चुअल में क्या है चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन दैट केस उस केस में जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लग रहा है और उसका मोमेंटम को चेंज कर दे रहा है तो जितना भी मोमेंटम में चेंज आया मैं क्या बोलूंगा दैट इज द इंपल्स ऑफ दैट बॉडी ऑन दैट बॉडी अब हम ये देखेंगे आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो इन चारों जो मैंने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ डिनोमेंटम थर्ड लॉ सेकेंड लो फर्स्ट लो इन चारों लॉज के लिए जो है जो बेसिक रिस्पॉन्सिबल लॉ है वो सेकेंड लॉ है और इसी सेकेंड लॉ से आप इन बाकी लॉज को बना सकते हैं तो इट इज द रियल लॉ एक्चुअली ओके इसी लॉ से बाकी सारे लो बनते हैं जाके तो दिस सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज द रियल लॉ उसके बाद हम ये देखेंगे किस तरह से हम लोग सेकेंड लो और थर्ड लो को यूज कर सकते हैं टू सोल्व आर सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में किस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं थ्योरेटिकली देखेंगे अभी न्यूमेरिकल पार्ट को नेक्स्ट वीडियो कल रखेंगे तो इस तरह से ये जो है हमारा आज का काम होगा ये तो आ, सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड लो सेकंड लो वाई सेकंड लो इज कॉल्ड द रियल लो तो सेकंड लो से फर्स्ट लो को भी डिराइव किया जा सकता है तो देखें कैसे कि वी नो दिस इज द फॉर्म जो कि हम रियल लाइफ में आम तौर पर यूज करते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो फर्स्ट लो फ्रॉम सेकेंड लो कि फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम द सेकंड लॉ कैसे डिराइव किया जा सकता है तो देखते हैं जैसे कि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सल होती है बच्चों है ना तो इफ इन केस देखो फर्स्ट लॉ डिराइव करने के लिए नो फोर्स शुड बी अप्लाइड इफ द फोर्स इज इक्वल टू जीरो इफ फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो इन दैट केस वॉट विल हैपन मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी जीरो

यानी कि विलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो जीरो है तो वो जीरो ही रहेगी अगर कोई फोर्स नहीं लगाया गया तो बॉडी के ऊपर अगर वो दो की स्पीड से मूव कर रही है तो बॉडी दो की स्पीड से ही मूव करती रहेगी पांच की स्पीड से मूव कर रही है तो वो पांच की स्पीड से ही मूव करती रहेगी उस की स्पीड चेंज नहीं हो सकती और विलोसिटी के अंदर हमें पता है डायरेक्शन का भी एक कंपोनेंट होता है तो यानी कि उसके जो भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट रहेगी यानी वो जिस भी डायरेक्शन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लो डिराइव फ्रॉम तो द न्यूटन सेकेंड लो इस तरह से हम न्यूटन के फर्स्ट लो को सेकेंड लो से डिराइव कर सकते हैं अब आता है न्यूटन के थर्ड लो के ऊपर थर्ड लो का मतलब क्या है कि हमें पता है कि ये मेरे पास एक बॉडी है ये एक दूसरी बॉडी है ये दोनों आपस में बाय चांस टकराई के okay, तो होगा क्या एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कि जितने फोर्स से मैं एक को रेस्ट पर रख लेता हूं एक को मूव करा लेता हूं जितने फोर्स से ये बॉडी इससे टकराएगी सेम फोर्स जो है ये वाली बॉडी ए बी के ऊपर लगा रही है उतना ही फोर्स बी ए के ऊपर भी लगाएगी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है ना बच्चों तो अभी हम लोग इसी चीज को स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस पार्ट सो देखो लेटस अज्यूम कि ये मेरे पास जो है एक बॉडी है इसको मैं ए बोल देता हूँ ये एक दूसरी बॉडी है इसको मैं बोल देता हूँ बी ओके अब ये ए बॉडी जो है इस बी से टकराती है और इसके ऊपर ये एक फ़ोर्स अप्लाई करती है लेटस अज्यूम कि जब ये इससे बिल्कुल टकरा चुकी है यहाँ पर आ चुकी है उस टाइम पर ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है

हाँ जी बच्चों तो देखते हैं किस तरह से न्यूटन का थर्ड लॉ इज ऑल्सो कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकेंड लॉ तो देखते हैं कैसे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर दो बॉडीज दी गई हैं बॉडी ए एंड बॉडी बी ओके ये बॉडी ए जो है इस बी के साथ में पुश कर दी मैंने इस बी की तरफ तो ए जो है बी के ऊपर एक फोर्स लगा रही है उस फोर्स को हमने बोल दिया फो एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू एफ बी ए किस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एके मतलब यह एफ बी ए है सिमिलरली जो ए है उसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा इसको हमने बोल दिया एफ ए बी यानी के फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एफ ए बी हो गया मेरा ओके okay. अब हम क्या करते हैं दोनों फोर्सेस को गैदर कर लेते हैं दोनों फोर्सेस का सम निकालते हैं तो बी प्लस एफ बी ए क्या होगा दोनों का सम यानी कि डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी ओके अब आप सिस्टम ये तो था अलग अलग चीजों की बात अब सिस्टम को एज ए होल हम देखें एज ए होल जब मैं सिस्टम को देखता हूं तो क्या पता लगता है कि सिस्टम में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो पार्टिकल्स आपस में ये दोनों आपस में टकरा के एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ओके कि भाई ए ने बी के ऊपर लगाया बी ने ए के ऊपर लगाया तो आपस में इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा लिया बाहर से किसी ने भी थर्ड पार्टी ने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो देरफोर जो नेट फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो है नेट फोर्स ऑन दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू जीरो तो हम क्या समझेंगे एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो यानी कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए ओके तो क्या समझे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू ए वो इक्वल भी है और नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट भी है तो यानी कि एवरी एक्शन एफ ए बी अगर एक्शन है तो एफ बी ए रिएक्शन है आप एफ बी ए को एक्शन बोलते हैं तो एफ ए बी रिएक्शन हो जाएगा तो देअोर ये है हमारा किस तरह से हम न्यूटन के थर्ड लॉ को सेकेंड लॉ में कंटेन कर सकते हैं ओके okay? इसके अलावा अगर हम देखें तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी इसके अंदर जो है इंक्लूड किया जा सकता है कैसे कि अगर नेट फोर्स अगर देखो नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज जीरो देन द मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व देखो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी भी जो है वो जीरो हो चुकी है डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू जीरो यानी कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है अंदर की वाली पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओके इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी ये दोनों क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इनके अंदर जो चेंज आ रहा है वो जीरो का है मतलब वो चेंज हो ही नहीं रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो, तो यानी कि दोनों का सम जो है वो कॉन्स्टेंट मोमेंटम के लीनियर मोमेंटम जो है अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा सिस्टम के ऊपर अगर इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं बाहर से कोई तीसरा पार्टी थर्ड पार्टी कोई फोर्स नहीं लगा रही उसके ऊपर तो देअरफोर इन दैट केस मैं क्या बोलूंगा मोमेंटम जो है

कौन से फोर्सेस हैं वो बच्चों तो बच्चों वन ऑफ फोर्स जो कि आपको समझना होगा आगे न्यूमेरिकल पोर्शन में वो है रिएक्शन फोर्स के नेचर को ओके रिएक्शन फोर्स जो है वो सुनने में हो सकता है काफी इजी हो लेकिन उसको यूज करना जो है कभी, कभी कभी ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा तो मैं आपको इसके एक नेचर के बारे में समझाता हूं तो कैसे रिएक्शन फोर्स आपका काम करता है अगर ये एक टेबल का सरफेस है ओके इस टेबल के सरफेस के ऊपर एक मान लो हमने एक बुक रखी हुई है यहां पर ओके तो होगा क्या बुक के ऊपर जो है नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा क्या एम जी ओके okay. ये जो एम जी फोर्स है ये क्या लग रहा है ये किसके ऊपर लग रहा है बेसिकली ये जो फोर्स लग रहा है बुक के द्वारा जो है इस टेबल के ऊपर लग रहा है ओके okay. बट वी नो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो देखो जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया इसके अपोजिट रिएक्शन एक ऊपर की तरफ लगेगी ध्यान रखने की बात यह है ओके तो इंस्टेड ऑफ के एम जी फोर्स के होने के बावजूद आपकी जो ये नोटबुक रेस्ट पर है तो वो क्यों रेस्ट के ऊपर रखी हुई है आपकी टेबल के ऊपर क्योंकि उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है बाय दिस टेबल तो रिएक्शन फोर्स जो है इसके नेचर को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है, अगर आप किसी दूसरी बॉडी के ऊपर तो जो, जो भी बॉडी फोर्स लगा रही है उसके ऊपर लगता है बॉडी okay? जो फोर्स लगा रही है वो दूसरी बॉडी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं उसके ऊपर नहीं लगेगा ये मुझ पर लगेगा ओके okay? तो दिस इज द दिस नेचर ऑफ द रिएक्शन फोर्स दूसरा फोर्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है टेंशन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से सुनना बच्चों टेंशन टेंशन फोर्स कौन सा होता है बच्चों ये वो फोर्स है जो डिवेलप होता है एक रस्सी के अंदर एक रोप के अंदर एक स्प्रिंग के अंदर तो जब आप उसको स्ट्रेच करते हो या उसको कंप्रेस करते हो यूजुअली स्ट्रेच करने पे होता है नाइनटी रस्सी के केस में तो, तो देखो ये हमारे पास एक रोप है ओके ये मैं उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा हूं आपने मान लो एक फोर्स लगा के इसको रस्सी को खींचा अपनी तरफ अब होगा क्या आपने रस्सी के इस एंड को जो है दीवार से बांध रखा है अच्छे से बाकायदा ओके अब क्या होगा आपने इसको अपनी तरफ खींच रहे हो ये रस्सी जो है खींच नहीं रही हो क्या रहा है देखो जैसे ही आप इसको अपनी तरफ खींचते हो ना इसके अंदर क्या है छोटे छोटे बोली हैं एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना जो है एक इंटरेक्शन हो रहा है ये मॉलिक्यूल्स ये जो एटम्स हैं इसके अंदर ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं उन्होंने एक एक अलग सा स्ट्रक्चर बना लिया अपना आप जब इसको खींचते हो इस रस्सी को तो होता क्या ये एक सेकंड के थोड़ा सा खींच तो जाएंगे लेकिन होगा क्या इनके अंदर एक अपने आप से इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिवेलप हो जाएगा जो कि इसको बैक डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा इस फोर्स का नाम जो यहां पर डिवेलप हुआ है इसको खींचने की वजह से इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स ये जो टेंशन फोर्स है बच्चों ये एक रस्सी के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर लगता है अब ये जरूरी नहीं है कि भाई जो ये सिर्फ जिधर से मैंने खींचा उसी पॉइंट के ऊपर लग रहा होगा इट विल बी प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रोप ये रोप के हर एक हिस्से पर प्रेजेंट होगा तो देखो कैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट है इस पार्टिकल के ऊपर जो है दो तरफ से टेंशन लग रहा होगा एक इधर से जो इधर वाला पार्टिकल खींच रहा है एक इधर से जो इधर वाला पार्टिकल खींच रहा है तो हर एक हिस्से के ऊपर टेंशन जो है लगेगी कुछ ना कुछ ओके और ये टेंशन जो है लास्ट वाले पार्टिकल जो जो अटैच है दीवार से वो उसके ऊपर भी लगेगी और दीवार वाला पार्टिकल जो है आगे दीवार को भी अपने साथ साथ खींचने की कोशिश करेगा तो बेसिकली होता क्या है कि जब एक रस्सी से बंधी हुई दीवार दीवार से बंधी हुई रस्सी को जब आप खींचते हो अपनी तरफ तो बेसिकली जो आपका फोर्स है वो विद द हेल्प ऑफ टेंशन दीवार की तरफ ट्रांसफर हो जाता है इसकी हेल्प से तो ये है आपका टेंशन फोर्स टेंशन फोर्स अब लगता कैसे है टेंशन जो फोर्स है वो हमेशा रस्सी की तरफ लगता है ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है टेंशन फोर्स जोगा हमेशा पार्टिकल से अवे और रस्सी की तरफ लगेगा हमेशा जैसे ये मान लो मेरे पास एक ये पुली है इसके साथ में मैंने ये दो रस्सियाँ इस तरह से बांध दी ओके एक रस्सी के अंदर एक ही टाइप की टेंशन लगेगी टी ओके तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है लेटेस्ट से इसका मास एम वन है तो एम वन जी इसके ऊपर इसका मास एम टू है तो एम टू जी नीचे लग रहा है ओके अब क्या होगा इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा टी अब देखो टेंशन फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा हमेशा रस्सी की डायरेक्शन में लगता है वो हमेशा रोप के डायरेक्शन में लगता है और पार्टिकल से अवे लगता है हमेशा इट विल ऑलवे अप इट विल ऑलवेज बी इन द इन द डायरेक्शन ऑफ द दैट इज अवे फ्रॉम द पार्टिकल तो जैसे ये मेरा पार्टिकल एम वन है तो इससे अवे हो गया ऊपर की तरफ सिमिलरली ये पार्टिकल एम टू है इससे अवे कौन सी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ अगर मैं इसकी टूवार्ड्स बनाता तो फोर्स इसकी तरफ लग रहा होता अवे बना रहा हूँ तो ऊपर की तरफ लग रहा है इसकी वैल्यू एक रोप के लिए इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है बच्चों ओके तो इस तरह से ये आप लोग टेंशन की डायरेक्शंस बना सकते हैं कि हमेशा आपको जो भी पार्टिकल मिले उससे हमेशा अवे बनाओ और दूसरा इसकी वैल्यू एक रोप के लिए एक ही बनाओ अब जैसे इसको समझ सकते हो एक और एग्जाम इसी के अंदर मान लो मैंने क्या करा इससे एक और रस्सी अटैच कर दी यहाँ पर एक और पुली लगा के एक भारी मास इधर और लगा दिया यहाँ पे एम थ्री तो ये एक दूसरी थर्ड रस्सी बन चुकी है मेरे पास तो ये फर्स्ट रस्सी है सेकंड रस्सी है तो इसके लिए जो टेंशन बनेगी इसको हम लोग अगर मैं टी बोल रहा हूँ तो इसको मैंने टी टू बोल देते हैं यहाँ पे तो दिस विल बी डिफरेंट ये देखो ये पार्टिकल है ये पार्टिकल से हमेशा अवे लगेगी यहाँ पे तो इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन को समझ सकते हैं एक रोप में इसकी वैल्यू एक ही रहेगी चाहे वो कितने भी पॉइंट से अटैच हो एक रोप में उसकी वैल्यू एक ही रहती है तो ये है आपकी टेंशन नाम का फोर्स तो ये दो इंपॉर्टेंट फोर्स हैं इसके अलावा और भी कई सारे फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बारे में आप लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू ग्रेविटेशन एक्सलेशन कॉन्स्टेंट एफ इक्वल टू एम जी होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा टू आर्ड द अर्थ लगती है तो दीज आर सम ऑफ दी बेसिक फोर्सेज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको यूज़ करके एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं इसका अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट कि जब आप लिफ्ट के अंदर ऊपर या नीचे जाते हैं या आपने कभी कोई जैसे आ, मेले में कभी झूले वगैरह खाए हों तो आपको एक जब वैसे एक राउंड से घूमने वाला झूला होता है जब उसमें आप ऊपर जा रहे होते हैं या जब आप उसमें नीचे आ रहे होते हैं तो आपको एक अलग प्रकार का वेट लेसनेस का भी वेट जो है कम भी हो जाता है कभी आपको ऐसा लगता है तब आपका वेट कम या जा ज़्यादा होता हुआ आपको महसूस होता है जिसकी वजह से आपको जो है कुछ अलग प्रकार का सेंसेशन महसूस होता है अपनी बॉडी के अंदर तो हम लोग देखते हैं किस वजह से वो होता है तो इसको हम लोग आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट तो देखते हैं किस तरह से हम इन सभी लोज को इकट्ठे यूज करेंगे टू फाइंड आउट अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट तो ये हमारे पास मान लो एक लिफ्ट है हुँ? इस लिफ्ट के अंदर हमने एक वेइंग स्केल रख दिया यहां पे ओके वेइंग मशीन है यहाँ पे जिससे उसका वजन पता किया जा सकता है इस स्केल के ऊपर जो है एक आदमी को हमने खड़ा कर दिया अब ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जैसे भी आपकी अटैच होती है ये ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है आपको पता ही है ओके okay, अब हमें क्या करना है इसके ऊपर जो है ना इसका हमने अपेरेंट वेट निकालना इस आदमी का जो मास है वो है एम देखो माइंड इट के मास और वेट डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं आपको याद होना चाहिए इस बात का मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी कि मेरे अंदर कितना कंटेंट है वो मेरा मास है लेकिन मेरा जो वेट होगा इट इज़ दी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स विद विच द अर्थ इज पुलिंग मी अर्थ मुझे जिस भी वैल्यू से पुल कर रही है वो मेरे पास जो है मतलब जितना भी मेरा मास इंटू द एक्सेलरेशन जो मेरे ऊपर लग रही है ड्यू टू द अर्थ एंड ऑल द अदर थिंग्स वो मेरा हो जाएगा क्या वेट मेरा तो हम देखते हैं किस तरह से वेट जो है मेरा चेंज होता है जब हम लिफ्ट के अंदर होते हैं तो जब लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है बच्चों तो देखो जब 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 लिफ्ट रेस्ट के ऊपर होती है तो होता क्या है इसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं ये मैं इस वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ वेइंग मशीन के ऊपर मेरे ऊपर एक बॉडी जो है अर्थ मुझे एम जी फोर्स से खींचती है ये फोर्स जो है मैं नीचे वेइंग मशीन के स्केल के ऊपर लगाता हूँ और उसको मेज़र कर लेता है ये जो है क्या करता है अब इस, इसके ऊपर जो है इसने एम जी नीचे लगाया और ये रिएक्शन फोर्स लगा ऊपर जो वेइंग मशीन है इस आर वैल्यू को मेज़र करती है कि कितना रिएक्शन मुझे लगाना पड़ रहा है ऑन दिस मैन और जितनी भी वैल्यू इसकी आती है वो बोल देती है कि ये जो है आदमी का वजन है ओके तो अगर जब ये रेस्ट के ऊपर है हमारी जो ये वेइंग मशीन जब रेस्ट के ऊपर है तो होगा क्या उस टाइम पे जितना एम नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ लग रहा है आर वैल्यू तो इन दैट केस मैं बोलूंगा आर इज इक्वल टू एम है तो कोई भी और, और कुछ नहीं हो रहा ओके तो देयरफॉर बंदे का जो मास है वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा जितना मुझे दिखना चाहिए था मास इन टू जी आर की वैल्यू उतनी ही आएगी ओके तो आर इज इक्वल टू ये, ये हो गया रेस्ट के ऊपर अब अगर आपके लिफ्ट जो है इफ इट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड तो सेकंड केस इफ It is moving up or down with uniform speed. अगर यूनिफॉर्म स्पीड से वो ऊपर जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है तो उस केस में भी देखो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर या नीचे जाने पर कोई भी फोर्स नहीं लगता बॉडी के ऊपर तो देयर फोर अगर फोर्स नहीं लग रहा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हमारे पास जो नेट फोर्स लग रहा है अब देखो बॉडी के ऊपर अब कितना नेट फोर्स लग रहा है दिस थर्ड ये केस में क्या हो रहा है कि एम फोर्स नीचे लग रहा है एम जी फोर्स लगा वेइंग मशीन के ऊपर उसने जो है आर लगा दिया ऊपर की तरफ तो देयर फोर इस केस में भी आर इज इक्वल टू एम जी आएगा यानी कि चाहे मैं यूनिफॉर्म जब जो लिफ्ट है यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर या नीचे जाती है उस टाइम पे मेरी बॉडी का जो जितना वजन है मुझे उतना ही ऑब्जर्व होगा यानी कि मेरी बॉडी में कोई सेंसेशन जो है मुझे महसूस नहीं होगी कि मेरी बॉडी में का वजन जो है वो चेंज हो रहा है अब आते हैं थर्ड केस पे अपने इफ इट इज एक्सेलरेटिंग रेटिंग अपवर्ड्स इफ इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड देखो बच्चों अब एक्सेलरेट कर रही है कोई चीज ऊपर की तरफ तो अभी इस चीज को समझना हम इसको एक बार दोबारा से बना लेते हैं बच्चों एक बार फॉर इजी खत्म हो गया आई गेस तो यहाँ पर ये हमारा वो वेइंग स्केल रखा हुआ है ये वो ह्यूमन बींग है जो इस तरह से खड़ा हुआ है अब देखो ये वो रोप है जो इससे अटैच है होगा क्या इस जो बंदा है इसके ऊपर एक एम जी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ ओके अब इसके ऊपर ये जो स्केल है ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है रिएक्शन फोर्स आर और इस आर और ये एम जी अब इस बंदे के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं आर तो लग रहा है ऊपर की तरफ और एम जी लग रहा है नीचे की तरफ ओके okay? ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो देअ फोर आर इज द पॉजिटिव फोर्स माइनस एम जी इज द नेगेटिव फोर्स दिस इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी ओके द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इस फोर्स की वजह से अब देखो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेट हो रही है तो मेरा इसका मतलब क्या हुआ जो बॉडी है जो मास है जो ह्यूमन बींग है वो भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा ए वैल्यू से तो दे आर माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम टाइम्स ए तो ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वी नो दिस थिंग तो आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए यानी कि एम जी plus a this is the reaction force or मैंने अभी आपको क्या बताया जो वेइंग मशीन होती है वो इस आर वैल्यू को ही मुझे एज अ वेट बताती है बॉडी का तो देरफोर अब मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे अगर मेरी लिफ्ट बाई चांस ऐसे ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रही है तो उस केस में हमें कैसा लगता है कि मेरा वेट जो है मुझे इंक्रीज हुआ दिखेगा ओके तो इन दिस केस वेट जो है बॉडी का इंक्रीज हो जाता है तो आप इसको समझो कैसे होता क्या कि जब आप लिफ्ट के अंदर नॉर्मली खड़े हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अब एक अभी तो लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है अब उसको ऊपर जाना है मान लो फिफ्थ फ्लोर तक पहुंचना है लिफ्ट को तो होगा क्या कि लिफ्ट जो है ए जीरो से अपनी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट करेगी लेटर से कि उसको टेन तक स्पीड को बढ़ाना तो जब तक वो जीरो से टेन की स्पीड में ऊपर की तरफ जा रही है उस दौरान में जीरो से टेन की स्पीड में जब तक उसकी स्पीड बढ़ रही है जब तक वो एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा आपकी जो बॉडी है उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो चुका है तो देयर फोर अपेरेंट वेट ऑफ योर बॉडी विल भी इंक्रीज और वो कितना इंक्रीज चुका होगा एम जी प्लस ए वैल्यू से एम आपका ओरिजिनल मास है जी एक्सेन ड्यू टू ग्रेविटी ए जो भी आप जिस भी एक्सेलरेशन से आपके लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो दिस इज द इफ केस वेन द लिफ्ट इज एक्सेल अपवर्ड अब आते हैं चौथे केस पे जिसके अंदर है, जो है इफ द लिफ्ट इज एक्सल डाउनवर्ड इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड अगर लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है मतलब बाय चांस जो है किसी वजह से आपकी लिफ्ट जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लगी ए वैल्यू से होगा कब ऐसा आप फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच चुके हैं वहाँ पर आपकी लिफ्ट जो है रुक चुकी है थोड़े टाइम के लिए तो अब आप, आप चाहते हो कि भाई वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करे तो कैसे होगा आपकी लिफ्ट जो है वो कुछ स्पीड से नीचे की तरफ एक उसकी स्पीड ज़ीरो से इंक्रीज होगी ना टेन मान लो जीरो से टेन की से इंक्रीज हो रही है तो जब तक ये ट्रांजिशन हो रहा है जीरो से टेन का तब तक आपकी जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ तो इस केस में होगा क्या देखो बच्चों तो इन दिस केस वॉट शुड हैपन बच्चों इज़ दिस के आर इज एक्टिंग अपवर्ड एम जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड और उसके बावजूद नीचे की तरफ आप एक्सेलरेट कर रहे हैं ये तो आ, आप कैसे लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे के डायरेक्शन नेगेटिव आर पॉजिटिव माइनस एम जी ये हो गया नेट फोर्स ऑन योर बॉडी मस्ट बी इक्वल टू माइनस एम टाइम्स ए है ना बच्चों तो अब आप इसको ले जाओ राइट हैंड साइड पे आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर इज इक्वल टू एम माइनस ए तो इस तरह से जो है आप अगर नीचे की तरफ अगर जो है आपकी लिफ्ट एक्सेलरेट करती है तो इस केस में आपको जो अपना वेट है वो कम ऑब्जर्व होगा पहले अगर आपका वेट जो है आपको ऑब्जर्व हो रहा था ज़्यादा तो अब वो और कम होने लग जाएगा ओके अगर इन केस बाय चांस आपकी जो एक्सेलरेशन है देखो आप इसको समझो एक्सेलरेशन जो है इनकेस अगर जी के इक्वल हो जाती है वो 9.8 हो जाती है नीचे की तरफ तो होगा क्या आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ए की वैल्यू जी पुट कर दो यहां पे आर इज इक्वल टू जीरो इस कंडीशन को बोलते हैं वेट लेसनेस वेट लेसनेस कि आप जो है आप बिल्कुल वेट लेस हो चुके हो इस समय पर आपको कोई भी वेट ऑब्जर्व नहीं होगा अगर यहाँ पर आपका नीचे वेइंग मशीन रखी हुई है तो उसके ऊपर जीरो दिखेगा आपको अगर आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर की वैल्यू से नीचे की तरफ एक्सेलेट कर रही है आपकी लिफ्ट तो ऐसा क्यों होता है तो आप इसको समझ सकते हैं कैसे हो रहा है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी जो लिफ्ट है वो भी नाइन मीटर पर सेकेंड स्केयर से नीचे एक्सेलेट कर रही है आप जो है वो भी नाइन मीटर पर सेकेंड कैसे ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्सेलेट कर रहे हैं आप जो है दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट एकदम से थोड़ा सा हट जाता है तो देयरफॉर इन दैट केस वो उसको आपका वेट पता ही नहीं लग पाएगा तो दिस इज कॉल्ड द वेट लेसनेस तो यहां पर जो है ये था हमारा अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट इसके अंदर हमने कई सारे कंसेप्ट को यूज़ करा रिएक्शन फोर्स के कंसेप्ट को यूज किया है हमने इसके अंदर हमने जो है इसके अंदर जो है ग्रेविटी के, के कंसेप्ट को यूज़ किया है और फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू इसके कंसेप्ट को भी यूज़ किया है तो इस तरह से जो है गौल दिस इज कॉल्ड द अपेरेंट वेट ऑफ मैन लिफ्ट तो आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज पूछा जा सकता है कि क्या इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद अस कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड वट विल बी द वैल्यू ऑफ वट विल बी द चेंज इन द मास चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी तो कैसे आप करेंगे इफ अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इन दैट केस उसके बॉड मास वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा बच्चों ओके okay? इसी तरह से आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई इफ अ बॉडी ऑफ मास 50 के जी इज एक्सलरेटिंग अप वर्ड्स विद अ वैल्यू ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्केयर वॉट विल बी इट्स न्यू वेट उसका नया वेट कितना होगा तो उस बॉडी का मास जो है हमें 50 के दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है प्लस में उसको ऊपर की तरफ जो है वो अगर एक्सेलरेट कर रही है वन की स्पीड से तो ये आपका नया वेट हो जाएगा यानी कि फाइव इंटू टेन पॉइंट एट करेंगे आप इस बार नॉट नाइन पॉइंट एट तो ये हो जाएगा आपका अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन दैट केस सिमिलरली आप यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी जा सकती है जिनको आपको पुट करना है वेटलेसनेस कब होगी जब जो आपकी लिफ्ट है वो नीचे एक्सेलरेट करने लग जाए किस वैल्यू से जी वैल्यू से ओके okay. तो ये कब होगा जब बाय चांस उसकी जो रस्सी है वो कट जाएगी तो वो ग्रेविटी एक्सेस्ट ड्यू टू ग्रेविटी से लिफ्ट नीचे गिरने लग जाएगी तो आपको जो है वेटलेसनेस महसूस होगा उस थोड़े क्षण के लिए जब तक आप जिंदा होंगे तो ये है आपका क्या अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन दैट लिफ्ट आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग और इसी तरह के कंसेप्ट को समझेंगे और हम लोग कनेक्टेड मोशन को और स्टडी करेंगे कनेक्टेड मोशन मतलब कि जब भी जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरह से पुलिस के अराउंड हम जब मास ए विद द हेल्प ऑफ रस्सी लट कनेक्ट करके हम लोग लगा देते हैं तो उसको कनेक्टेड मोशन बोलते हैं हम लोग ओके okay? तो कनेक्टेड मोशन को हम लोग आगे स्टडी करेंगे आगे आने वाली वीडियो में और उसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से क्लियर करेंगे तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच